हुआवे P30 Pro इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इसकी कीमत है 71,990 रुपीज़। इस हैंडसेट का मैंने कैमरा रिव्यू किया है, एक्सेलेंट कैमरा है। और ये जो हैंडसेट है हुआवे P30 Pro, इसका जो कैमरा है इसे हाईएस्ट DXO मार्क का रेटिंग मिला हुआ है। लेकिन इस वीडियो में मैं इस हैंडसेट का और iPhone XS का कैमरा कंपैरिजन करने वाला हूँ। देखते हैं कि इन दोनों हैंडसेट्स में से किसका कैमरा बेहतर है, देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है हुआवे P30 Pro जो इंडिया में लॉन्च हो चुका है। इसकी कीमत है 71,990 रुपीज़ और ये 8GB 256GB वेरिएंट के साथ में आता है, मतलब कि ये एक ही वेरिएंट है जो हुआवे ने इंडिया में लॉन्च किया हुआ है। प्राइसिंग इसकी प्रीमियम किस्म की है और ये जो हैंडसेट है इसे बहुत ही बढ़िया DXO मार्क रेटिंग मिला हुआ है जब आप कैमरा की बात करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो इसका प्राइसिंग iPhone XS से काफ़ी कम है। चलिए कंपैरिजन करते हैं iPhone XS के साथ में। अब इस वीडियो में मैं सिर्फ कैमरा कंपैरिजन करने वाला हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। ये देखिए, ये है हुआवे P30 Pro, बहुत ही बढ़िया दिखता है और कलर जो है काफ़ी यूनिक किस्म का है। अगर फीचर्स और परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही हैंडसेट्स अपनी अपनी जगह पर ठीक है। एप्पल आईफोन जो है एक अलग ही किस्म का हैंडसेट है, अपना ही खुद का हार्डवेयर होता है, अपना ही खुद का सॉफ्टवेयर होता है। और ये जो हुआवे P30 Pro है इसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है। दोनों हैंडसेट्स का जो फीचर्स है एकदम अलग अलग किस्म का है, तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप इसके लिए जा सकते हैं। लेकिन जब कैमरा की बात आती है तो ये देखिए, ये है हुआवे P30 Pro। इसमें लाइका क्वाड कैमराज हैं, 40 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस, 20 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस और TOF कैमरा है। फ्रंट कैमरा जो है वो 32 मेगापिक्सल का है। इस हैंडसेट की सबसे बड़ी खासियत है इसका जूम फीचर, 10x तक हाइब्रिड जूम करता है और 50x तक डिजिटल जूम करता है। iPhone XS के कैमरा की बात करें तो पीछे डुअल कैमरा से 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा, और जो फ्रंट कैमरा है वो 7 मेगापिक्सल का है। इन दोनों हैंडसेट्स का जो कैमरा रेटिंग है उसे मैंने एक्सेलेंट दिया हुआ है, मतलब कि जो कैमरा क्वालिटी है दोनों ही हैंडसेट्स का काफ़ी लाजवाब है। लेकिन हम कंपैरिजन करेंगे, बारीकी से कंपैरिजन करेंगे, उससे हमें बेहतर आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए, ये है हुआवे P30 Pro और इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया 50x जूम तक सपोर्ट करता है। ये देखिए, ये एक इसकी यूनिक फीचर है और इसमें बहुत सारे आपको मोड्स मिलते हैं। ये देखिए, पोर्ट्रेट में भी आपको जूम का ऑप्शन मिलता है, 10x जूम तक मिलता है। हुआवे P30 Pro 960fps स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है, जो इसकी खासियत है। सबसे पहले पोर्ट्रेट शॉट चेक करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आप पोर्ट्रेट शॉट्स खींचते हैं हुआवे P30 Pro से, तो जो सब्जेक्ट है और जो बैकग्राउंड है उनका डिस्टेंस जैसा आपको दिखता है वैसा ही है। लेकिन जब आप iPhone XS का उपयोग करते हैं, क्योंकि iPhone XS पर टेलीफोटो लेंस का उपयोग किया जाता है, तो जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि नज़दीक आ गया है। तो ये एक थोड़ा सा अंतर होता है दोनों कैमरा में, और आप देख सकते हैं कि पोर्ट्रेट शॉट में आपको वो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, जो राइट हैंड साइड वाला शॉट है ये मैंने iPhone XS से खींचा हुआ है, और देख सकते हैं कि जो पीछे का बैकग्राउंड है ऐसा लग रहा है कि सब्जेक्ट के काफ़ी नज़दीक आ गया है। जबकि हुआवे P30 Pro का जो शॉट है लेफ्ट हैंड साइड पर, वहाँ पर देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड का जो भी डेटा है वो अपनी जगह पर है। तो ये एक अंतर है, इसे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर आप ये शॉट को देखें तो यहाँ पर मुझे iPhone XS का जो शॉट है काफ़ी बढ़िया लगा, एकदम नेचुरल किस्म का शॉट है। और हुआवे P30 Pro ने भी अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन वाइट बैलेंस मुझे लगता है ज़्यादा है और एक तरह से नेचुरल शॉट नहीं है। अगर आप इस शॉट को ध्यान से देखें तो आपको मैं समझाता हूँ कि इसमें और iPhone XS से लिया हुआ शॉट में अंतर क्या है। अब ये देखिए, ये जो शॉट है हुआवे P30 Pro से लिया हुआ शॉट, अगर मैं यहाँ पर जूम इन करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए, जो एज डिटेक्शन है यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इतनी अच्छी तरीके से कर नहीं पाया है। और ये जो एरिया है इस पर ध्यान दीजिए, ये ब्लैक है यहाँ पर, और ये देखिए ये एरिया भी ब्लैक है। और अगर मैं iPhone XS का जो शॉट लिया हुआ है उसमें जूम इन करूँ तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने जूम इन किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये ब्राउनिश है, एक्चुअल ब्राउनिश है, मतलब कि iPhone XS ने एकदम नेचुरल शॉट्स खींचा हुआ है, जो कलर है एक्चुअल कलर है उसे रिटेन किया हुआ है, जबकि यहाँ पर हुआवे P30 Pro पर चेंज हो गया है कलर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, मुझे iPhone XS का जो शॉट है ये काफ़ी बढ़िया लगा अगर मैं इसे हुआवे P30 Pro से कंपेयर करूँ तो। वैसे दोनों ही हैंडसेट्स ने अच्छा काम किया है और दोनों ही हैंडसेट्स को मैंने एक्सेलेंट रेटिंग भी दिया हुआ है, लेकिन इस मामले में आप
देख सकते हैं कि iPhone XS ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि Huawei P30 Pro पर जूम इन का ऑप्शन है और पोर्ट्रेट में भी आपको जूम इन का ऑप्शन मिलता है। ये जो शॉट है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये शॉट मैंने जूम इन करके खींचा हुआ है। ये देखिए, ये नॉर्मल शॉट है और यही शॉट को पोर्ट्रेट मोड में मैंने जूम इन किया हुआ है। अप टू 10x तक आप Huawei P30 Pro पर जूम इन कर सकते हैं, जो कि यूनिक फीचर है जो iPhone XS पर तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब कभी आप पोर्ट्रेट मोड का उपयोग करते हैं iPhone XS पर तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत जूम इन हो जाता है। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों की जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है, लेकिन iPhone XS ने एकदम नेचुरल किस्म का शॉट लिया हुआ है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि पीछे जो है ब्राउनिश है, और यहाँ पर जो ये भाग है ये ब्लैक है, और जो वाइट बैलेंस है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में मुझे iPhone XS का जो शॉट है वो बेहतर लगा। अब ये जो शॉट है ये आउटडोर कंडीशन में खींचा हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी iPhone XS ने अच्छा काम किया हुआ है। iPhone XS का जो शॉट है एकदम नेचुरल किस्म का लगता है, और जब कभी आप iPhone XS से फ़ोटो खींचते हैं तो अच्छा भी लगता है, मतलब आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि जो शॉट है काफ़ी बढ़िया आ गया है। और यहाँ से आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए, iPhone XS से लिया हुआ शॉट राइट हैंड साइड पर है, और मैं अगर जूम इन करूँ यहाँ पर, ये देखिए एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छी तरीके से किया है इसने। और iPhone XS का जो शॉट है एक तरह से DSLR से खींचा हुआ जो शॉट होता है वैसा होता है, मतलब कि जो बैकग्राउंड ब्लरिंग है वो भी एकदम अच्छी तरीके से की गई है। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें Huawei P30 Pro पर, मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पर Huawei P30 Pro ने एज डिटेक्शन अच्छा कर लिया है, लेकिन जो बैकग्राउंड ब्लरिंग है वो मुझे iPhone XS पर जो है वो बढ़िया लगा। यहाँ पर जो बैकग्राउंड ब्लरिंग है वो इतना कुछ इम्प्रेसिव नहीं है जितना कि iPhone XS से खींचा हुआ है। और अगर आप इसी शॉट को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो देख सकते हैं कि iPhone XS ने बढ़िया काम किया है। लॉन्ग शॉट्स की अगर बात करें तो दोनों ही हैंडसेट अच्छा काम कर लेते हैं, और यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको बता देता हूँ। स्पेशली ये जो गाड़ी है यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, इससे आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए, तो लॉन्ग शॉट्स में दोनों हैंडसेट्स ने अच्छा काम किया है। ये लीजिए, इसके भी मैंने जूम इन कर दिया है, थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ ताकि सेम साइज़ का आ जाए। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कलर वेरिएशन है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, और यहाँ पर तो ये छोटा सा वेरिएशन तो आपको मिलेगा, लेकिन दोनों ही हैंडसेट्स ने अच्छा काम कर लिया है। तो लॉन्ग शॉट्स के लिए दोनों ही हैंडसेट्स काफ़ी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर Huawei P30 Pro को एडवांटेज है। एडवांटेज इसलिए है क्योंकि Huawei P30 Pro से आप जूम इन कर सकते हैं, 50x तक जूम इन कर सकते हैं। वैसे 10x जूम तक हाइब्रिड जूम सपोर्ट करता है, मतलब कि 10x का जो जूम लेवल है वहाँ पर आपको जो क्वालिटी है अच्छी मिलेगी, उसके बाद में जो क्वालिटी है 50x तक वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन ये कैपेबिलिटी दिया हुआ है स्मार्टफोन में, तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। अब ये शॉट मैंने जो खींचा हुआ है ये सनसेट के समय खींचा हुआ है, जो सब्जेक्ट है उसके पीछे सनसेट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी iPhone XS ने बढ़िया काम किया हुआ है। ये देखिए, iPhone XS को मैं जो शॉट लिया हुआ है उसे जूम इन करता हूँ, ये देखिए, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला शॉट है ये मैंने Huawei P30 Pro से खींचा हुआ है, और यहाँ पर भी मैं उसी लेवल का जूम कर देता हूँ, ये लीजिए, और यहाँ पर भी थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो शार्पनेस है iPhone XS ने मेंटेन किया हुआ है, इतना शार्प नहीं है Huawei P30 Pro का शॉट। और ये लीजिए, अब ये दोनों सेम लेवल पे हैं। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एज डिटेक्शन है Huawei P30 Pro इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा है, कुछ कुछ सिचुएशंस में अच्छी तरीके से कर नहीं पा रहा है, जबकि iPhone XS पर तकरीबन सारे के सारे सिचुएशंस में अच्छा एज डिटेक्शन कर लेता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बैकग्राउंड ब्लरिंग देखें, ये देखिए यहाँ पे Huawei P30 Pro का जो बैकग्राउंड ब्लरिंग हुआ है, इसे बुके भी कहते हैं, वो अगर आप यहाँ पर चेक करें तो मुझे iPhone XS पर जो बुके इफेक्ट है वो काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी प्रोफेशनल किस्म का लगा। लेकिन एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो बुके इफेक्ट है और जो एज डिटेक्शन है और कलर रिप्रोडक्शन जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। तो हो सकता है कि आगे जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आए उनमें Huawei जो है वो P30 Pro में जो कैमरा इम्प्रूवमेंट्स हैं वो कर दें और क्वालिटी और भी बेहतर हो सकती है, पॉसिबल है। ये है सेल्फी शॉट। सेल्फी में भी देख सकते हैं कि iPhone XS अच्छा काम कर रहा है, मतलब कि आपको एकदम नेचुरल किस्म का शॉट मिलता है, और
जो सब्जेक्ट है उसका फेस हाईलाइट हो जाता है और बैकग्राउंड अच्छी तरीके से ब्लर हो जाता है, जबकि Huawei P30 Pro पे मुझे जो ब्लरिंग इफेक्ट है, जो पीछे जो बोके इफेक्ट है, वो इतना कुछ खास नहीं लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बोके इफेक्ट है iPhone XS पर काफ़ी बढ़िया है। लो लाइट की अगर बात करें तो ये देखिए दोनों शॉट्स मैंने लो लाइट कंडीशन में खींचा हुआ है। जो लाइट्स आपके सामने दिख रही है ये वाली लाइट और यहाँ पे भी iPhone XS से खींचा हुआ यही लाइट चालू है, बाकी कोई भी लाइट रूम में चालू नहीं है। तो उसी सिचुएशन में मैंने फोटो खींचा हुआ है दोनों ही स्मार्टफोन्स का उपयोग करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि iPhone XS ने अच्छा काम किया है, लेकिन Huawei P30 Pro लो लाइट में काफ़ी बढ़िया काम करता है iPhone XS के कंपैरिजन में। और अगर मैं यहाँ पर जूम इन भी करूँ, आपको जूम इन करके बता देता हूँ ताकि आपको शार्पनेस का पता चल जाएगा। ये देखिए ये है शार्पनेस P30 Pro से और ये है शार्पनेस iPhone XS से। दोनों ही हैंडसेट्स का शार्पनेस काफ़ी बढ़िया है, लेकिन Huawei P30 Pro पे एक नाइट मोड भी है। और अगर मैं यही शॉट को नाइट मोड के साथ में खींचूं तो ये देखिए ये नाइट मोड से खींचा हुआ शॉट है। देख सकते हैं कि कितना सारा डिटेल्स अब विजिबल है, मतलब कि Huawei P30 Pro का जो नाइट मोड है कमाल का है। अब ये जो फीचर है आपको एप्पल आईफोन पर मिलने वाला नहीं है, तो जो ये जो नाइट मोड का जो फीचर है P30 Pro को यूनिक बना लेता है। तो अगर आप बहुत सारे नाइट या लो लाइट शॉट्स खींचते हैं तो उसके लिए आपको Huawei P30 Pro पर बेहतर आउटपुट मिलेगा। अब ये शॉट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट हैंड साइड पर जो शॉट है वो मैंने iPhone XS से खींचा हुआ है और अगर मैं जूम इन करूं तो देखिए ये ऑटो मोड में खींचा हुआ है। क्लैरिटी इतनी कुछ खास नहीं है, डिटेल्स काफ़ी हद तक कैप्चर हो चुका है, लेकिन जो क्वालिटी है Huawei P30 Pro की वो लाजवाब है। और जब मैं जूम इन करता हूं तो ऑटो मोड में भी देख सकते हैं कि जो क्लैरिटी है और जो शार्पनेस है काफ़ी बढ़िया है, मतलब कि लो लाइट में Huawei P30 Pro एनी टाइम सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। अब ध्यान से देखिए यही शॉट को अगर मैं नाइट मोड के साथ में खींचूं, ये देखिए देख सकते हैं कि इमीडिएटली कितना डिटेल्स और आपको दिखता है। ये देखिए ये नॉर्मल शॉट है ऑटो मोड में और ये है नाइट मोड। देख सकते हैं कि नाइट मोड में बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर कर लेता है, शार्पनेस भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाती है ये देखिए। और एप्पल आईफोन में एक ही मोड है ऑटो मोड है, लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे तो उससे आप काफ़ी हद तक जो डिटेल्स हैं ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए। तो ये जो शॉट है मैंने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का उपयोग करके खींचा हुआ है, लेकिन फिर भी Huawei P30 Pro का जो कैमरा क्वालिटी है लो लाइट में वो एक्सीलेंट है और iPhone XS से तो काफ़ी बेहतर है। इनके अलावा दोनों ही हैंडसेट्स 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं और दोनों की वीडियो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया Huawei P30 Pro स्लो मोशन वीडियोस एट 960 FPS पर शूट कर सकता है, जो फीचर iPhone XS पर अवेलेबल नहीं है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये बेहतर आइडिया मिल गया होगा कि Huawei P30 Pro का कैमरा अच्छा है लेकिन कुछ सिचुएशंस में iPhone को बीट नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में Huawei P30 Pro iPhone का जो कैमरा क्वालिटी है उसे बीट कर लेता है। जैसे कि इस पोर्ट्रेट मोड में, मुझे iPhone XS का जो शॉट है काफ़ी नेचुरल लगा, काफ़ी बढ़िया लगा, बोके इफेक्ट भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इतना इम्प्रेसिव नहीं है जितना कि होना चाहिए Huawei P30 Pro पर। लेकिन जब लो लाइट शॉट्स की बात आती है तो P30 Pro बेस्ट आउटपुट देता है आपको, जो iPhone XS नहीं दे पाता है। तो आपको क्या लगता है इन दोनों हैंडसेट्स में से किसका कैमरा क्वालिटी बेहतर है, कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। और ये जो Huawei P30 Pro है इसका रिव्यू मैं जल्द ही लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल कर दीजिए। और देखते रहिए।